thanks, thanks a lot, thanks guys. So I'll not waste time and I'll get Edna, who will rock the show today, and she's going to talk on skincare and our lovely products. So I'll not waste time. Welcome, Edna, please put on a video and rock the show. Thanks, Edna, thanks a lot. Thank you, sir. Self-care means giving yourself the permission to pursue. Hi friends, मेरा नाम Edna D'Souza है. मैं बहुत जन को देख रही हूँ यहाँ पे, nearly 33 people. अगर मुझे कोई जानता नहीं है तो मैं Forever Living Products में मेरा जो level है वो manager का है, और साथ में मैं इस company में मुझे तकरीबन 9 to 10 years हो चुके हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छा lifestyle जी रही हूँ. तो दोस्तों, आज का जो हमारा जो वेबिनार है वो है पर्सनल केयर. सभी को पता है कि हमारा जो पर्सनल केयर जो है वो बहुत बड़ा मार्केट है, isn't it? बहुत सारी कंपटीशन चल रही है पर्सनल केयर को लेकर, और पर्सनल केयर एक ऐसा सेगमेंट है जिस पे हम कभी कभी ध्यान नहीं देते. आज की तारीख में हर कोई, भले ही वो गरीब हो या मिडिल क्लास हो या वो रिच कैटेगरी का हो, हर एक इंसान, अगर कोई शहर में रहता हो या कोई गांव में रहता हो या कोई छोटा हो या कोई बुजुर्ग हो, हर कोई इंसान पर्सनल केयर का यूज करता है. और ये आज की तारीख में एक जरूरत बन चुकी है. हर एक के घर में कुछ ना कुछ तो पर्सनल केयर की चीजें होती है. जैसे हम सवेरे उठते हैं तो हम ब्रश करते हैं, फिर नहाने के लिए सोप होता है, फिर उसके बाद हमारे बाल धोने के लिए शैम्पूज होते हैं, डियोज होते हैं, तो कुछ ना कुछ तो है ही. तो इसलिए मुझे ये सेगमेंट पर्सनल केयर का मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. और कहते हैं कि अगर हम कोई भी बिजनेस अगर हम करते हैं ना, तो हमारे बिजनेस का जो बैकबोन होता है वो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं. तो फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल के पास हमारा जो बैकबोन है वो है हमारे प्रोडक्ट्स. और कंपनी जो है वो अभी से नहीं, वो 44 इयर्स से इस प्रोडक्ट्स को बना रही है, और हम 160 प्लस कंट्रीज में हम एक्सपांड हो चुके हैं विद नियरली इंडियन करेंसी के हिसाब से 28,000 करोड़ जो हमारा जो टर्नओवर है. तो आप समझ सकते हो कि कंपनी कितनी नेचुरल वे में ये प्रोडक्ट्स बनाती है. और हम दो वर्ल्ड लीडर्स, दो क्षेत्र में हम वर्ल्ड लीडर्स है. एक है एलोवेरा, और दूसरा जो हमारा जो है मधुमक्खी के छत्ते से, एलोवेरा के पत्ते से और मधुमक्खी के छत्ते से, ये दोनों में हम वर्ल्ड लीडर्स हैं. जितने भी हमारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं या पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं या एलो ड्रिंक्स है, ये वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, ये सभी में हमारा जो मेन, जो हमारा जो प्रिंसिपल जो इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा और बीहाइव के प्रोडक्ट्स है. तो इससे हमारी मार्केट के जितने भी प्रोडक्ट्स है जिससे हमारी स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है, इसमें केमिकल होता है, इसमें पैराबेन टाइप का केमिकल होता है जो धीरे धीरे हमारी स्किन को डैमेज करता है. लेकिन एलोवेरा जो हमारी जो प्रोडक्ट्स है, इसमें एलोवेरा होने के कारण या इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होने के कारण ये हमारी स्किन को जल्दी से, हम बूढ़े नहीं होते या हमारी स्किन डैमेज नहीं होती है, और हम फॉरएवर हम यंग दिखते. तो आइए दोस्तों, हम पर्सनल केयर की तरफ, मैं अपना स्क्रीन जो है मैं शेयर करती हूँ. मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो सर. या साउंड इज परफेक्ट, साउंड इज परफेक्ट, एंड वी कैन इवन
Yeah, and we can see the screen also. Okay, thank you, sir. Thanks. हमारा जो पहला जो प्रोडक्ट है वो है Forever Bright Tooth Gel. देश के कोने कोने में सभी लोग सवेरे उठ के ब्रश करते हैं, है ना? तो Forever Bright Tooth Gel में इसमें एलोवेरा है और बी प्रोपोलिस इसके अंदर है. बी प्रोपोलिस जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, और मधुमक्खी क्या करती है अपने छत्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक लेयर बनाती है और उसे कहते हैं हम प्रोपोलिस, राइट? तो ये बहुत ही पावरफुल एंटीबायोटिक है. और एलोवेरा तो आपको पता ही है वो लिग्निन और सेपोनिन का काम करता है. तो ये हमारे गम्स को, ब्लीडिंग गम्स के लिए अच्छा है, हमारे माउथ अल्सर के लिए ये बहुत ही अच्छा है. इसमें कोई भी फ्लोराइड नहीं है. और Forever Bright Tooth Gel को आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला हुआ है 1999 में. अगर मैं कंपेयर करती हूँ मार्केट के जो प्रोडक्ट्स है, जो जो पेस्ट है उसमें फ्लोराइड होता है, उसमें एनिमल बोन पाउडर होता है, चॉक पाउडर उसके अंदर होता है, जो हमारे शरीर के अंदर जाके वो एक बहुत सारी ऐसी बीमारियां आ रही है, जैसे कैंसर जैसी बीमारियां है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है. साथ में इसमें ऐसे कहते हैं कि जब हम वो यूज करते हैं तो हमारे जो दांत है वो वाइट तो हो जाते हैं, लेकिन उसमें सेंसिटिविटी सी आ जाती है. जैसे कि अगर हम कुछ भी गर्म चाय पीते हैं या कुछ तो भी ठंडा खाते हैं तो उसमें सेंसिटिविटी सी आ जाती है. लेकिन Forever Bright Tooth Gel में अगर हम उसको यूज करते हैं, लगातार इसको हम यूज करते हैं, तो हमारा जो दांतों का जो इनेमल है वो घिसता नहीं है. और साथ में ये इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, इसको घर का हर एक सदस्य जो है उसको इस्तेमाल कर सकता है. जैसे कि बच्चे से लेके एजड तक जो भी घर में है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, सेकेंड जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो है एलो लिप्स. बहुत ही छोटा सा प्रोडक्ट है ये, लेकिन कहते हैं कि अगर हम अच्छा ड्रेसअप होके हम निकलते हैं, हमारा चेहरा भी बहुत अच्छा है, हमने बहुत अच्छा मेकअप भी कर रखा है, लेकिन अगर हमारे होंठ मतलब फटे हैं या ड्राई है तो क्या वो अच्छे दिखेंगे? क्या हम अच्छा एक लुक, एक अच्छा अपियरेंस हमारा आ जाएगा? हम अच्छी स्माइल दे सकेंगे? कहते हैं कि फर्स्ट अपियरेंस इज अ लास्ट अपियरेंस, राइट? तो एलो लिप्स जो है ये हर एक ये छोटा सा है तो इसको हर एक जन अपने अपने पॉकेट में रख सकता है. तो इट इज वेरी इजी टू कैरी. इसके अंदर एलोवेरा है, साथ में इसमें जोजोबा और बी वैक्स है जो अपने होठों को जो बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्चराइज करता है. जैसे कि हमारा जो स्किन है इसका 3 लेयर्स होते हैं, जैसे कि एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस. लेकिन हमारा जो लिप्स है ना वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, उसमें एपिडर्मिस जैसा लेयर ही नहीं होता है, वो सीधा सेकेंड लेयर ही होता है. और वो ही जो भी हम गर्म चाय पीते हैं या जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, सीजन के हिसाब से हमारे जो जो होंठ जो होते हैं वो फट जाते हैं या ड्राई हो जाते हैं. आजकल तो ऑल सीजन जरूरी नहीं है कि ठंडी का मौसम ही हो तो ही हमारा लिप्स जो है वो ड्राई हो सके. अगर हम धूप में भी जाते हैं तो भी हमारा स्किन एनवायरनमेंट के हिसाब से भी ड्राई हो सकते हैं. तो ये हम इसे लगा सकते हैं. इट इज नॉट ओनली कि फीमेल्स ही इसको यूज कर सकते हैं, इसको मेल्स भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उनके भी होंठ जो स्किन है वो भी फट सकती है. जो मेन जो लगातार सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो उनके जो होंठ काले पड़ जाते है, वो लोग भी उसको यूज कर सकते हैं. फीमेल्स आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि कैंसर जैसी बहुत सारी बीमारियां आ रही है, राइट? वो किसकी वजह से है? ये जो हम लिपस्टिक्स लगाते हैं उसमें लेड होता है और वही हम उसको इनटेक करते हैं. तो अगर हम इसे लगाते हैं तो पहले इसे हमें होठों पे लगाना है, उसके बाद हम अपना लिपस्टिक वगैरह ये सब लगा सकते हैं. और मार्केट में जो
हम लगाते आए हैं, जैसे कि पेट्रोलियम जेली, जो पेट्रोलियम का जो लास्ट प्रोडक्ट होता है उसमें भी लेड पाया जाता है, तो वो भी हमारे शरीर के अंदर वो हम इसे गिट लेते हैं अंदर, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो इसके अंदर एलोवेरा होने के कारण, होहोबा होने के कारण, जोजोबा को हम एक्चुअली होहोबा कहते हैं, और बी वैक्स होने के कारण ये हमारे होठों को मुलायम रखता है, सॉफ्ट रखता है, और साथ में इसके मल्टीपल यूजेस है, जैसे कि अगर किसी चींटी ने हमें काट लिया या हमें किधर तो भी ऐसे माइनर खरोच आ गई या हम किधर ट्रैवल कर रहे हैं तो हम इसे इजीली हमारे पॉकेट में इसे हम कैरी कर सकते हैं। तो ये इतना छोटा प्रोडक्ट दिखता है लेकिन इसके मल्टीपल यूजेस इसके हैं, तो हर एक के पर्स में या हर एक के पॉकेट में एक एलोलिप्स होना बहुत ही जरूरी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रोडक्ट। हमारा जो तीसरा जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो है एलो एवोकाडो फेस एंड बॉडी सोप। अक्सर ऐसा होता है कि फेस के लिए कौन सा सोप लगाए, बॉडी के लिए कौन सा सोप लगाए, लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने एक ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन किया है जो कि हम फेस पे भी लगा सकते हैं, अपने बॉडी पे भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो फ्रूट है एवोकाडो, जो फ्रूट है वो प्योर एवोकाडो बटर से बनाया हुआ है। ये हमारी स्किन को रीजेनरेट करता है, हमारे सेल्स को रीजेनरेट करता है, साथ में हमारी स्किन को क्लींस करता है। ये सभी स्किन के लिए है, ड्राई स्किन के लिए है, ऑयली स्किन के लिए है, जिसकी स्किन सेंसिटिव है वो भी स्किन के लिए इस्तेमाल कर सकता है, तो सभी स्किन के लिए है ये। साथ में एक एंटी ऑक्सीडेंट का भी काम करता है, इसका मतलब है जो फ्री रेडिकल्स जो हमारे स्किन के अंदर एंटर होके हमारे स्किन को जो डैमेज करता है तो ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। तो ये बहुत ही ज्यादा टाइम चलता है, इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत ही बेहतर। एलो जोजोबा शैम्पू, हमारी जो सुंदरता जो होती है वो बालों में होती है ना। अगर हमारे स्कैल्प पे अगर बाल ही ना हो तो क्या हम सुंदर दिखेंगे? तो सोचो कि हम कैसे दिखेंगे बिना बाल के, है ना। तो एलो जोजोबा शैम्पू जो है एंड कंडीशनर, ये एक ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि घर का हर एक सदस्य इसको इस्तेमाल कर सकता है, हमें दो दो तीन तीन शैम्पूज घर में रखने की जरूरत नहीं है। ये इसके अंदर एलोवेरा है, होहोबा ऑयल इसके अंदर है, एर्गन ऑयल है, रोज शिप ऑयल है इसके अंदर, जो हमारे बालों को नरिश करता है। और एलोवेरा होने के कारण ये जितना भी धूल मिट्टी हम बाहर जाते हैं तो पसीने के वजह से हमारे जो स्कैल्प है वो इचिंग होने लगता है, उसके बाद डैंड्रफ होता है, उसके बाद हमारा हेयर फॉल होता है। तो ये हमारे स्कैल्प के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर हमारा स्कैल्प अच्छा है ना तो हमारे जो बालों के जो रूट्स होते हैं ना वो भी मजबूत हो जाते हैं। तो एलो जोजोबा शैम्पू में एलोवेरा होने के कारण, और एलोवेरा लिग्निन और सेपोनिन का काम करता है, तो लिग्निन होने के कारण ये हमारे स्कैल्प के अंदर जाके हमारे रूट्स को मजबूत करता है, और साथ में सेपोनिन होने के कारण जितनी भी धूल मिट्टी ऑयल है उसको रिंस आउट करने में मदद करता है। तो ये आपको थोड़ा सा लेना है और आपके बालों में, आपके गीले बालों में उसको आपको मसाज करना है, और उसके बाद आपको रिंस आउट करना है, उसके बाद आपको कंडीशनर लेना है। कंडीशनर को आपको सिर के ऊपर से लेके, मतलब टॉप से लेके नीचे तक आपके लेंथ तक आपको उसको, सिर्फ आपको उसको ऊपर ऊपर उसको लगाना है, आपको अंदर स्कैल्प में आपको मसाज नहीं करना है। और शैम्पू करने के बाद आपको कंडीशन करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि शैम्पू करने के बाद हमारे जो बाल है, कभी कभी जब हम धूप में जाते हैं तब हम सनस्क्रीन लगाते हैं, राइट, क्योंकि वो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए।
तो ठीक उसी तरह से जब हम शैम्पू करते हैं, ठीक उसी तरह से हमें कंडीशन भी करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि शैम्पू करने से कभी कभी हमारे बाल थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, लेकिन कंडीशनर करने से एक बालों में सॉफ्टनेस ही आ जाती है, बाल स्मूथ और मैनेजेबल हो जाते हैं। तो इसके अंदर कोई भी नियॉन्स नहीं है, इसके अंदर कोई सल्फेट इसके अंदर नहीं है, इसके ये पैराबेन फ्री है, इसके अंदर कोई भी टाइप का केमिकल नहीं है। मार्केट के जितने भी शैम्पूज या कंडीशनर्स है उसके अंदर नियॉन्स होता है, और वो जब हम उसको यूज करते हैं तो, और हम लगातार तो उसको यूज नहीं कर सकते, और हम तो ये हमारे जो स्कैल्प के जो पोर्स है वो ब्लॉक कर देते हैं, और उसके वजह से माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है, हेडेक होता है, हेयर फॉल्स होते हैं, क्योंकि वो बराबर से रिंस आउट नहीं हो पाता है। हमारा जो एलो जोजोबा शैम्पू और जो कंडीशनर है, इसको मेल फीमेल बच्चे सभी लोग, घर के हर एक जो व्यक्ति है उसको इस्तेमाल कर सकता है, और डेली बेसिस पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके घर में अगर पेट्स है तो आप पेट्स को भी इसे आप नहला सकते हो। ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है जो कंपनी ने नया लॉन्च किया है। ये जेंटलमैन्स प्राइड जो हमारा जो प्रोडक्ट है, ये भी ये अल्कोहल फ्री है। ये अक्सर क्या होता है कि मेन जब शेव करते हैं, तो हर एक ऑल्टरनेट डे पे शेव करते हैं, या कोई कोई एवरीडे बेसिस पे शेव करते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, स्किन में बहुत ही ड्राइनेस आ जाती है, स्किन बहुत ही रफ हो जाता है, कभी कभी शेव करते करते वो ब्लेड भी लग जाती है। तो जेंटलमैन प्राइड जो है इसमें कोई अल्कोहल नहीं है, ये अल्कोहल फ्री है, और ये आपकी स्किन को बहुत ही स्मूथ और मॉइस्चराइज करता है। इसके अंदर एलोवेरा है और इसके अंदर रोजमेरी और कैमोमाइल है, जो आपकी स्किन को बहुत ही स्मूथिंग इफेक्ट देता है। मेन आफ्टर शेव इसको लगा सकते हैं, और फीमेल्स जो है वो आफ्टर वैक्स, जैसे वैक्सिंग करने के बाद आप एज अ मॉइस्चराइजर आप इसको लगा सकते हो। ओके, तो आपको इसको बहुत ही थोड़ा लेना है, और एज अ मॉइस्चराइजर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत ही अच्छा है, और बहुत ही सॉफ्ट प्रोडक्ट है, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है ये। हमारा जो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ड्रीम बाय फॉरएवर। इसके अंदर फ्लोरल फ्रेग्रेंस इसके अंदर है, और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है। जो मार्केट का जो डियोज है, जो यंगस्टर्स वगैरह ये सब जो लगाते हैं, वो उसके अंदर जो मार्केट का जो डियोज है उसके अंदर गैस होता है, उसके अंदर फॉग होता है, और वो हमारे स्किन को डैमेज करता है। हमारे पास दो टाइप के डियोज है, एक है ड्रीम बाय फॉरएवर और एक है डिजायर बाय फॉरएवर। तो ये दोनों मेल और फीमेल के लिए है, क्योंकि ये दोनों इसलिए अलग से बनाया हुआ है क्योंकि ये जो है ह्यूमन के मतलब मेल और फीमेल के हार्मोन्स जो अलग अलग होते हैं वो हिसाब से इसको बनाया हुआ है, और इसके अंदर भी कोई टाइप का गैस नहीं है। इसके अंदर एलोवेरा है जो आप स्किन पे भी लगा सकते हो, अपने कपड़ों पे भी लगा सकते हो, और दिन भर आपको इसका फ्रेग्रेंस जो है ये बहुत ही अगर हम कपड़े भी धोने भी डालते हैं ना तो भी इसका जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही रहता है, और दिन भर इसका फ्रेग्रेंस रहता है। अप टू 1020 स्प्रेज आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। कहते हैं कि ड्रीम बाय फॉरएवर एंड डिजायर बाय फॉरएवर मेल या फीमेल वो इसको इस्तेमाल करते हैं जिनके बहुत बड़े ड्रीम्स हैं, जिनको बहुत ही जिनके बहुत सपने हैं, और जो बहुत ही मतलब मोटिवेटेड है और एक बहुत ही अच्छी उड़ान भरने के लिए, तो ये इस तरह से इसको डिजाइन किया हुआ है। और हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है एलो हिट लोशन। ये आइडियल है उन लोगों के लिए
जिनके मसल्स में पेन होता है, जो दिन भर काम करके जो थक जाते हैं और जिनको बहुत पेन होता है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे वार्मिंग एजेंट्स है जैसे कि एलोवेरा है, यूकेलिप्टस है, एप्रिकॉट ऑयल है, सीसम ऑयल है। ये जब हम इसे लगाते हैं अपने जॉइंट्स में या मसल्स में, तो एक अच्छा रिलीफ सा मिल जाता है। इसको आप MSM के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। MSM जो मिथाइल सल्फेट और मेथेन जो है, ये दोनों प्रोडक्ट जो है, एलो हिट लोशन एंड MSM, ये हमारे जोड़ों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। ये बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। जैसे कि मुझे याद है कि जब मेरे बच्चे छोटे थे और जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया था, तब मुझे मेरे सीनियर्स ने इसको बताया था कि यू नो, आप अपने बच्चों को हिट लोशन थोड़ा गर्म पानी में डाल के आप उसको स्टीम दे सकते हो अगर उनको सर्दी खांसी, क्योंकि मेरे बच्चों को लगातार यू नो, बच्चों को सर्दी खांसी वगैरह ये सब हो जाता था, तो मैं इनको ये इस्तेमाल करती थी। तो ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। आपको इसको लगा के आपको इसको थोड़े टाइम के बाद आपको एक अलग फीलिंग हो जाएगी, आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और आपके स्किन भी मॉइस्चराइज हो जाएगी। तो ये हमारा जो दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है फॉरएवर हैंड सैनिटाइजर। मैं दोनों प्रोडक्ट को कंबाइन करके बोलूंगी। एंड द नेक्स्ट इज क्लीन हैंड्स। ये दोनों जो प्रोडक्ट है, जैसे कि कोरोना टाइम में आप लोगों ने देखा कि हर एक के पास ये प्रोडक्ट होना बहुत बहुत ही जरूरी होता था, और हम जिधर भी जाते थे पहले कहते कि हैंड को सैनिटाइज करो, अपने पॉकेट में एक सैनिटाइजर होना। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स पहले से ही कहती आई है कि हमारे पास जो है सैनिटाइजर होना बहुत ही जरूरी है। हम किधर भी जाते हैं ना दोस्तों, कि ये जो कीटाणु है ना, ये कभी कभी हमें दिखते नहीं है, और ये जो है वो हम किधर भी हाथ रखते हैं, और अगर हमें फॉर एग्जाम्पल हमें पानी पूरी खानी है, ओके, तो क्या हम अपने हाथ धोएंगे? हम वो पानी पूरी भैया को बोलेंगे कि हाथ धोने के लिए थोड़ा सा पानी दे दो भैया? हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, लेकिन हम तो खा लेते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता है कि हमारे हाथों में कितने कीटाणु हैं, कितने जर्म्स हैं जो हमें दिखते नहीं है, और वही हमारे पेट के अंदर वो चला जाता है। तो अगर ये हैंड सैनिटाइजर अगर हमारे पास है, जहां पर भी पानी की सुविधा नहीं है, तो ये 99.99% को जर्म्स की मारने की इसमें क्षमता है। इसमें एलोवेरा है, और एलोवेरा होने के कारण ये हमारे हाथों को बहुत ही सॉफ्ट रखता है और मॉइस्चराइज भी और मॉइस्चराइज करता है। और इसका जो फ्रेग्रेंस है, इसके अंदर लेमन है, लैवेंडर इसके अंदर है, हनी इसके अंदर है, जो हनी जो हमारी स्किन को सॉफ्ट और मॉइस्चराइज करता है, और ये हमारी स्किन को ड्राई नहीं होने देता है। जबकि हम कोई भी दूसरा कंपनी का या मार्केट का सैनिटाइजर अगर हम यूज करते हैं, तो वो हमारे हैंड जो है ना, वो चिपचिपा से हो जाते हैं और वो ड्राई हमें फील होता है। तो इस हमारा जो प्रोडक्ट है, इसके अंदर एलोवेरा और हनी होने के कारण ये हमारी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट रखता है, और ये हमारी स्किन को बहुत ही लंबे समय तक हमारे जर्म से हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। तो हमारे बैग में एक या दो हैंड सैनिटाइजर या क्लीन हैंड्स होना बहुत ही जरूरी है, ताकि बच्चे या कोई भी मतलब एडल्ट कोई भी अगर हम किधर भी जाते हैं, तो पहले हम हैंड सैनिटाइजर करके हम कुछ भी हम खा सकते हैं। ठीक है, एलो फर्स्ट जो स्प्रे है, इसके अंदर ये स्प्रे फॉर्म में आता है, और इसके अंदर एलोवेरा है, बी प्रोपोलिस इसके अंदर है, एलेंटाइन है, और लेवन टाइप के एग्जीक्यूटिव प्लांट एक्सट्रैक्ट इसके अंदर है। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर हमारी स्किन सनबर्न के वजह से डैमेज हो गई हो, अगर किसी को वुंड है, घाव हो गया है, कट्स है, माइनर बर्न है, या किसी को स्किन इरिटेशन हो गया हो, तो हम ये स्प्रे उनके ऊपर कर सकते हैं। साथ में हमारे स्कैल्प, हमारे जो बाल है, किस किस के इचिंग होते हैं डैंड्रफ के वजह से, या ऑयली
जो किस किस का स्कैल्प जो ऑयली होता है तो उसके वजह से वो इचिंग सी हो जाती है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है ये हमारी स्किन के ऊपर हम इसको लगा सकते हैं। और खास करके ये अगर हमारे घर में अगर कोई पेट्स है या हमारे सोसाइटी में अगर कोई पेट्स है तो हम अगर उनको कुछ तो अगर वुंड है तो उनके ऊपर हम स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अंदर एलोवेरा होने के कारण जो भी बैड बैक्टीरियाज है जो भी जर्म्स उसके अंदर है तो वो सब जो है वो कीटाणु जो है वो मर जाएंगे। मेरे घर में पेट था पहले और उनको बार बार उनको है ना मैगट्स होता था कान में या आंखों में क्योंकि वो बहुत ही एजेड था, तो मैंने इसका इस्तेमाल किया एलो फर्स्ट का मैंने इस्तेमाल किया, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे भी ना अगर कोई वुंड वगैरह होता है तो हाथ लगाने वगैरह वो लोग देते नहीं है, तो अगर हम इसको स्प्रे करते हैं तो ये बहुत अच्छा मतलब जो भी हमारे वुंड्स वगैरह है तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है जो हील करता है, और एलोवेरा होने के कारण ये लिग्निन का काम करता है और डीपली हमारे स्किन के अंदर जाके ये पेनिट्रेट करता है। और प्रोपोलिस जैसे कि मैंने बताया ये नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है, तो ये हमारे हर एक प्रोडक्ट्स में एलोवेरा होने के कारण जो हमें इसलिए वो फायदा है क्योंकि एलोवेरा जो है हमारे स्किन के अंदर जाके वो डीपली पेनिट्रेट करके हमारे जो सेल्स को रीजेनरेट करने में मदद करता है, उसको हमारी स्किन को सॉफ्ट रखता है और हमारी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा जो प्रोडक्ट है वो है एलो एमपीडी, ये मल्टीपर्पज डिटर्जेंट प्रोडक्ट है, ये फॉस्फरस फ्री है, एनवायरमेंटल फ्री, बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए बायोडिग्रेडेबल है इसलिए एनवायरमेंटल फ्री है क्योंकि ये एनवायरमेंट को ये हार्श नहीं करता है, एनवायरमेंट को नुकसान नहीं करता है। ये अगर हमारे घर में अलग अलग डिटर्जेंट होता है उसका एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि कपड़े धोने के लिए अलग होता है, फ्लोरिंग के लिए अलग होता है, यूटेंसिल्स धोने के लिए अलग होता है, अगर किसी के पास फोर व्हीलर है टू व्हीलर है तो शैम्पूज होते हैं धोने के लिए, फ्लोरिंग के लिए अलग होता है, ये ऑल इन वन इसको कहा गया है। तो अगर आपको पैसा बचाना है तो ये ऑल इन वन है, ये आपके हाथों को पैरों को ये नुकसान नहीं देता है। आपको इसको अगर अगर आपके पास घर में प्लांट्स है या झाड़ है तो आप डाइल्यूट करके आप इसको पानी में डाइल्यूट करके एक बकेट में आपको थोड़ा सा डाल के इसको डाइल्यूट करके आप अपने पौधों पे इसको स्प्रे कर सकते हो, पौधों में डाल सकते हो। जैसे कि आपने देखा कि ये जो कोरोना काल था बहुत सारे लोग जो है ना वो अपने घर में अपने फार्म में ये लोग सब्जियां उगाने लगे, तो ये फार्मर्स के लिए भी बहुत ही अच्छा है। अगर किसी को ऑर्गेनिक फल फ्रूट खाना है तो आप लोग एमपीडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फार्म हाउस पे, ताकि आप लोगों को भी एक फ्रेश वेजिटेबल्स मिल सके। कपड़ों के लिए ये डिटर्जेंट की जरूरत नहीं है, हम इसको इस्तेमाल लॉन्ड्री के लॉन्ड्री में कपड़े डालने की जरूरत नहीं है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर में यूटेंसिल जो इतने चिपचिपे से हो जाते हैं, ऑयली हो जाते हैं, थोड़ा सा आपने लिक्विड डाल दिया तो आपके जो यूटेंसिल्स है जो ऑयली है वो भी निकल सकता है, जो घर में जो फ्लोरिंग है वो भी क्लीन हो सकता है। अगर आपके घर में अगर कोई पेट है ओके, क्योंकि मेरे घर में भी पहले जो पेट था तो मैं भी उनको एमपीडी से नहलाती थी, क्योंकि कभी कभी उनके जो पेट्स के ऊपर ना कभी कभी वो जो है क्या कहते हैं उसको जो चीज जैसे कि छोटे छोटे वो उनके स्किन पे आ जाते हैं, स्किन इरिटेट हो जाती है, और तो मैं उनको थोड़ा सा पानी में एमपीडी डाल के मैं उसको नहलाती थी, तो उसकी वजह से उसकी स्किन भी काफी अच्छी हो गई थी, क्योंकि उसकी स्किन बहुत ही रफ हो गई थी। तो मैं उसको किसी ने मुझे कहा था कि आप उसको एमपीडी ट्राई करो, तो मैंने पानी में थोड़ा सा एमपीडी डाल के मैंने अपने पेट को मैं हमेशा उसको नहलाती थी,
और साथ में अगर आपके पास फोर व्हीलर टू व्हीलर धोने के लिए शैम्पू की जरूरत नहीं है, आप एमपीटी से उसको धो सकते हो। अगर आपका एनवायरनमेंट क्लीन है, अगर आपका घर क्लीन है, तो आपको तो मतलब आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप जी सकते हो, आपके घर में खुशियां आ सकती है। क्योंकि अगर ये सारी चीजें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके आप कभी बीमारी नहीं पड़ोगे, है ना। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है वो हमेशा एक ब्रांड है, और हमेशा कंपनी ये बिलीव करती है कि हमारे कस्टमर्स को अच्छे प्रोडक्ट्स दिए जाए और उसमें कोई भी केमिकल ना हो। तो इट इज ऑल अबाउट द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। यू आर इन द राइट हैंड्स एंड यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन फॉर एवर। वी केयर फॉर यू, फॉर योर हेल्थ, नॉट मोर एनीथिंग एल्स। हेलो सर। Yeah, hi. All good. Yeah, fantastic. Yeah. I think the knowledge was amazing, and I think many people loved it. But I was just wondering, because some people joined very late. जो हम लोग टाइम देते हैं कि 8 बजे का सेमिनार है, तो आपको 8 बजे सेमिनार में आना है, लेकिन कोई कोई 8:30 को 8:40 को they come very late, which I am very surprised. आपको जब और एक्सक्यूज ये है कि ट्रैफिक ये नहीं है, मेरे को एक ही सवाल है, जब आपको फ्लाइट पकड़ने का है आप टाइम पे कैसे पहुंचते? तो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि जब भी सेमिनार होता है टाइम पे आ जाओ, तो आपको पूरा ट्रेनिंग मिलेगा। एंड द ट्रेनिंग वाज अमेजिंग, फैंटास्टिक एंड माइंड ब्लोइंग। जिसको भी ये ट्रेनिंग पसंद आया, जस्ट टाइप 1 सो दैट वी कैन अप्रिशिएट। जस्ट टाइप 1 इन द चैट, चैट में एक नंबर 1 टाइप करो। यस, वेरी गुड, वेरी। सो यू कैन सी एडना, आई डोंट हैव टू से, पीपल आर ओनली सेइंग इट। सो आई थिंक नेक्स्ट टाइम यू कैन डू ट्रेनिंग ऑन पर्सनल केयर एंड ऑन एलोवेरा एंड ऑल अदर टॉपिक्स। सो इट्स अमेजिंग, एंड इनफैक्ट आई वाज इन्वॉल्वड एंड आई वाज सीइंग। आई थिंक आई हैव गिवन द करेक्ट इंफॉर्मेशन। आई हैव डन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम फ्रेंड्स, तो आई विल ट्राई टू डू इट मच मोर बेटर नेक्स्ट टाइम। That's all I want to say. Today your seminar is very good, but we can have more topics. Like we can have on aloe vera, yeah. Then we can have on personal care, then we can have on different things. Huh? So it's amazing. Thanks a lot, and I would like to thank Santosh, Rajiv, and the full FLP team, Praful, Jayesh, and everybody for supporting us with this YouTube platform. So thanks a lot, and comments you can read, so I will not say anything. So thank you, sir. And welcome back. It was an amazing day today. Thank you. Thanks, guys. See you soon for the coming Friday, which will have more and more seminars and more trainings. Yeah. Thanks a lot. Bye. Bye, Edna. Thanks a lot. Yeah. Thanks.